हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पिन डायोड। पिन डायोड में आज क्या क्या कवर करेंगे, पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आज कि व्हाट इज पिन डायोड, पिन डायोड क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर, इसके वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, ये सारे आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिन डायोड क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सैंडविच होता है पी टाइप लेयर और एन टाइप लेयर के बीच में, और ये बना होता है सिलिकन का। ये नॉर्मल पीएन डायोड की तरह इसका सिंबल होता है जो कि देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से एक्चुअल में दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो नॉर्मल पीएन डायोड है हमारा, जिसमें पी और एन हाईली डोप्ड होता है, और ये हमारा पी आई एन डायोड है जिसमें पी हाईली डोप्ड होता है और एन हाईली डोप्ड होता है। ये आई शो कर रहा है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हाई रेजिस्टेंस है, इसमें हाई रेजिस्टेंस शो करता है ये। इसका जो लेंथ है वो होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर का होता है। ये इसका स्ट्रक्चर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में पहले देखने से पहले ये ध्यान देते हैं कि जैसे हमारा पी आई एन डायोड है अनबायस्ड कैसा वर्क करता है। तो अनबायस्ड में क्या होता है कि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता है, यह इसमें क्योंकि इसमें आई में आई जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता है। तो जब इसमें हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो ये वर्क करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि जब इसमें हम इस तरफ पॉजिटिव सप्लाई और इस तरफ नेगेटिव सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये डिप्लेशन लेयर है, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। और कंडक्शन स्टार्ट होने की वजह से देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सप्लाई स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब हम ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह कब कैसे वर्क करेगा, जैसे इसमें हमने 2 वोल्ट दिया, और 2 वोल्ट देने की वजह से इसका डिप्लेशन लेयर कुछ ही कम हुआ, मतलब ज़्यादा कम नहीं हुआ, तो इसके रेजिस्टेंस है इसमें कुछ हैवी रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इसमें हम 4 वोल्ट देंगे तो इसके डिप्लेशन लेयर और भी कम हो जाएगा, जिस वजह से इसमें मोर वोल्टेज सप्लाई होगा, अगर 2 में इतना वोल्टेज सप्लाई नहीं हो पाता। तो ये एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो इसे यूज़ कहाँ करते हैं, इसे हम एटोनेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग फॉर आरएफ सिग्नल में यूज़ करते हैं। तो ये था फॉरवर्ड बायस का। अब जैसे अगर ये रिवर्स बायस में हुआ तो कैसे वर्क करेगा, अब देखते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में तो ये जो हमारा पीएन डायोड है ये वर्क करता है वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह। तो जब इसमें हम एनोड की तरफ नेगेटिव एंड कैथोड की तरफ पॉजिटिव सप्लाई करते हैं तो जो इसका डिप्लेशन लेयर है उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज होता है। इसका टोटली ये जो विड्थ है, मतलब कि एज पर जितना हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका विड्थ चेंज होता रहेगा। अब ये कैपेसिटेंस की तरह कैसे वर्क करता है, जैसे फॉर्मूले के जरिए समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो डी इसका लेंथ है, तो अगर जैसे इसके यहाँ तक है, यहाँ तक ये डिप्लेशन लेयर इसका है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर ये हमारा जो ये है डी विड्थ, अगर ये इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा और ये तो ये इंक्रीज होगा। तो मतलब ये दोनों हैं जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इस तरीके से ये वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह वर्क करता है। आगे चलते हैं। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें लो नॉइज़ होता है, लो बायस वोल्टेज होता है, हाई रिवर्स वोल्टेज होता है, हाई स्पीड रिस्पॉन्स होता है, लो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, और लार्ज डिप्लेशन रीजन होता है। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। लेस सेंसिटिविटी होता है, स्लो रिस्पॉन्स टाइम होता है इसका, और एक
मेजर डिसएडवांटेज कि हाई रिवर्स रिकवरी टाइम होता है ड्यू टू पावर लॉस होता है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये आरएफ और डीसी माइक्रोवेव स्विच में यूज़ होता है, आरएफ और वेरिएबल एटोनेटर में यूज़ होता है, लिमिटर सर्किट में यूज़ होता है, फोटो डिटेक्टर और फोटोवोल्टिक सेल में भी यूज़ होता है, और आरएफ मॉड्यूलेटर सर्किट में यूज़ होता है। तो ये थे इसके एप्लीकेशंस। ये सेशन ख़त्म हो गया है, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।